नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। बंशीधर नगर, असम राज्य के तेजपुर में आयोजित नेशनल हाफ कीडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मिलेनियम पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय एवं झारखंड के नाम रोशन किया। जिन छात्रों ने नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लिया था, नवीन भास्कर, रंजीत कुमार, सलीम अंसारी, दुर्गेश कुमार, उज्ज्वल कुमार, ऋतिक कुमार गोल्ड मेडल प्राप्त कर झारखंड का नाम रोशन किए हैं। इसी को लेकर बिशनपुर स्थित मिलेनियम पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन कांडी बीडीओ गुलाम समदानी, विद्यालय निदेशक मुमताज राही, चेयरपर्सन नूरजहां बेगम, प्रधानाध्यापक नागेंद्र सिंह संयुक्त रूप से सभी खिलाड़ियों को बुके व माला पहनाकर स्वागत किए। इस मौके पर कांडी बीडीओ गुलाम समदानी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन एवं विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। आज मिलेनियम पब्लिक स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो विजय हुए घोषित हुए हैं, उसी का स्वागत समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं और उन बच्चों को जिला प्रशासन के तरफ से और विद्यालय प्रबंधन के तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और ताकि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी हमारा सिर्फ गढ़वा जिला का नहीं पूरा राज्य का नाम रोशन करे, और हम सब उन बच्चों के साथ हैं, गार्जियन के साथ। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी गढ़वा जिला का नहीं बल्कि झारखंड राज्य का नाम रोशन करें। विद्यालय निदेशक मुमताज राही ने कहा कि झारखंड के लिए गौरव की बात है कि खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय के साथ राज्य का नाम रोशन किए हैं, इन्हें हम बधाई देते हैं। 7th नेशनल हिपकेडो चैंपियनशिप 2018-19 जीतकर जो इस विद्यालय के नाम के साथ साथ झारखंड का नाम रोशन किया, इन्हें विद्यालय परिवार की तरफ से हम कोटि कोटि बधाई देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने खेल के प्लेटफॉर्म में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचते हैं। विद्यालय इन्हें भरपूर सहयोग करता है और हमारी पूरी उम्मीद है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का झंडा स्वर फहराएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि मेरे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद।